अभी आप को एक दृश्य दिखाएंगे, जिस दृश्य को देखकर आप देख पाएंगे कि एक गरीब की मकान को किस तरह कब्जा में ले लिया गया एक पूंजीपति के तरफ से। और ये आरोप जो है हम नहीं लगा रहे हैं, एक 70 वर्ष के सीनियर सिटीजन आरोप लगा रहे हैं, इनके जुबान से ही हम सुनेंगे। इस मकान के मैटर में आप क्या जानते हैं? हमने क्या जानता है, मकान के मैटर में नेपाल का जमीन है, नेपाल के बाप दादा। बोर्डवास ऑफिस की लापरवाही से दो शरणार्थियों के परिवार आपस में जमीन को लेकर दोनों पक्षों में खड़ा हुआ विवाद। जमीन मालिक ग्रामीणों का बताते चलें कि शरणार्थियों की जमीन पुनर्वास की लापरवाही के कारण दो पक्षों में खड़ा हुआ विवाद। मैनाटांड प्रखंड के भंगहा पंचायत जसौली चौक में नेपाल बर्मन ने दावा किया पुनर्वास ऑफिस बेतिया द्वारा 9 डेसमिल जमीन दिया गया था। पर्चे के अनुसार पश्चिम में सड़क होने के कारण विवाद खड़ा हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष के पर्चे में भी पश्चिम में सड़क होने के कारण दोनों ने दावा किया यह जमीन मेरा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा आधे से ज्यादा आबादी नेपाल बमन के तरफ से बार बार विवाद खड़ा किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन जनता दरबार के द्वारा दोनों पक्ष की जमीन संबंधित पेपर को पुनर्वास द्वारा सत्यापित करने के लिए आदेश दिया है। विवादित जमीन को भगहा थाना प्रभारी द्वारा दफा 44 लगा दी गई है, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी द्वारा देते हुए कहा कि कोई भी इस जमीन में काम नहीं करेंगे जब तक पुनर्वास द्वारा सत्यापित पेपर नहीं आ जाते हैं। दूसरा पक्ष से बात करने से उसने दावा किया है कि पेपर में दिए गए कोई गलत वर्ड रसीद में खेसरा नंबर, जमीन के डिटेल्स, खातियाना नंबर, जमीन के विवरण अंकित नहीं होने के कारण कोई तरह की शंका पैदा करती है। दूसरा पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है कि दोनों तरफ के पेपर की जांच पुनर्वास द्वारा कराने के लिए भेज दिया गया है। कानूनी संघ न्यूज चैनल से समर कुमार दत्ता की खास रिपोर्ट मैनाटांड से। आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। इस समय पहुंच चुके हैं भंगहा पंचायत में। हम मैनाटांड प्रखंड में हैं और मैनाटांड प्रखंड के कुछ ऐसे जमीन की विवादे हैं जो शरणार्थी आज से लगभग 65 साल पहले यहाँ पर पुनर्वास द्वारा ये लोग को जमीन मिला था। और ये पुनर्वास द्वारा जमीन मिला, उस जमीन पर आज एक विवाद खड़ा हुआ है। इस समय हम जसौली चौक पर हैं और ये भंगहा पंचायत है। और ये विवाद कैसे और किस तरह खड़ा हुआ है, इस विवाद के बारे में यहाँ के लोग हैं, काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ के जमीन दाता से कि जमीन उनको किस तरह मिला था और कौन उनका जमीन को कब्जा किया है। इसलिए मेरे साथ उस जमीन के मालिक मेरे साथ है, उन्हीं से पता लगे। इधर आइए, क्या विवाद हुआ है आपकी जमीन पर? जबरदस्ती कर लिया। कौन जमीन आपको? ये जमीन है। दुकान कैसे मैंने विवाद हुआ था? दुकान दिया था, फिर अभी भाड़ा दिया था, फिर अभी कत रहा है। देखिए ये बंगाली है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये बोल नहीं पा रही है कि ये क्या। एक दूसरी बात है, ये जो है अपंग भी हैं, ये जो है बोल नहीं पा रही है। हम लोग इनके पड़ोसी जो भी होंगे उनसे हम इनके पूरे दास्तान को जानेंगे। और आप कौन इनके हैं, कोई मैंने इनके बारे में बताए? अरे इधर आइए, हाँ आइए ना इधर। एक अच्छा, जमीन के बारे में आपको कुछ जानकारी है? जानकारी तो है। क्या हुआ था? ये भाड़ा में जमीन दी थी इनका, 9 डेसिमल जमीन सरकार द्वारा मिला पुनर्वास विभाग से। ये जमीन पर ये कब्जा दखल कब्जा में इनके है, ये दखल कब्जा में रह रही है। कब मिला था इनको? इनके इनके ससुर को मिला है 1959 को। ससुर का क्या नाम है? निरंजन बर्मन को मिला है। देखिए 1959 में निरंजन बर्मन को ये पुनर्वास ऑफिस के द्वारा से इनको 9 डेसिमल जमीन यहाँ जसौली चौक में मिला है। और उस जमीन का कोई पेपर है? दिखाइए थोड़ा पेपर इनसे दीजिए। हाँ, पेपर को थोड़ा सा दिखाइए आप, कैमरा मैन से कहेंगे पेपर को दिखाइए। यही पेपर है पुनर्वास द्वारा, और यही पेपर पुनर्वास के द्वारा जो साबित कर रहा है किन के नाम से है हम देखना चाहेंगे। ये निरंजन बर्मन के नाम से, पिता ज्योति बर्मन के नाम से, ये जसौली
जो है चौक में है ये जमीन, और ये खेसरा खातरा भी खेसरा खाता भी नंबर है, और हम यहाँ जानेंगे ये जमीन की जो स्थिति है अभी जमीन में क्या मतलब कि लफड़ा है इनका जमीन है। हाँ आइए, धीरेज दास भाड़ा में दे रहा था। धीरेज दास को है कौन? धीरेज दास श्यामलाल दास का पिताजी है, वो गुजर चुके हैं, और श्यामलाल दास इनके पांच भाई हैं। कब्जा कैसे कर रहे हैं उस जमीन में? भाड़ा में श्यामलाल दास लिया था मुर्गा बनाने के लिए। अच्छा, दुकान चलाने के लिए भाड़ा दे रहा था। केवल श्यामलाल दास ही दुकान उनका किराया में? और अगल बगल में और दुकान किराया में? दो आदमी है। कौन है दुकानदार? सुकुमार दास। हाँ, बानी दास। कौन है सुकुमार जी? हाँ, क्या सही बात है? आप दुकान किराए में लिया इनका जी? कितना दिन से किराए में दुकान है? लगभग दो तीन साल। क्या ये जो घटना घटा है वो दुकान जो कर रहा है उनका आरोप लगा रहा है कि वो मेरा दुकान है, कहाँ तक सत्य है? आरोप जो लगा रही है ना, हाँ, उसी का है ना, नेपाल बर्मन का जमीन है। आप किराए किनको देते हैं? नेपाल बर्मन को। और वो जो जमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरा जमीन है, क्या वो भी दे रहा था? लेकिन कुछ दिन से वो नहीं दे रहा है, कह रहा है कि हमारा जमीन है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिव कुमार दास है। शिव कुमार, आपका घर कहाँ है? इसी गांव में है। इसी गाँव? देखिए, शिव कुमार जी का कहना है कि ये भी दुकान किराए में लेकर बैठे हुए हैं, अब चला रहे हैं, ये किराया दे रहे हैं, मगर वो भी किराया देते थे, मगर कहीं ना कहीं कोई विवाद के कारण वो आज किराया देना बंद कर दिए, और उस जमीन का वो कब्जा कर चुके हैं कहीं और। एक आदमी और सुने हैं कि कोई किराए में लिया, कौन है? कहाँ बनेगा? देखिए, इस तरह का विवाद खड़ा होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी जवाबदेही है, और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करते हैं हम देखेंगे। हमारे जो चैनल के माध्यम, क्या आप दुकान चलाते हैं? क्या चीज के दुकान चलाते हैं? ठंडा उंडा के बोतल उतर नाश्ता पानी किनके दुकान? आप किराए में लिए हैं किसी का? क्या किराए पर लिए? नेपाल दास के। नेपाल बर्मन। अभी आपके पड़ोसी में एक दुकान वाला का लफड़ा हो रहा है कि वो जमीन मेरा है ना, वो तो भाड़ा में पड़े रही है, वो भी भाड़े में थे। तो आज क्या है दबा कर रहे हैं कि मेरा दुकान है? पैसा वाला पार्टी है। अब इसका मतलब है कि किसी के जमीन पर पैसा वाला होगा तो चढ़ जाएंगे? भंगा था ना के बड़ा बाबू आवत के मरवा पीटला के बाद बात बताइए आप लोग, इसके बाद में इतना विवाद होने का आप लोग उसको मदद कर रहे हैं कि नहीं? हां, मदद कर रहे हैं। कहां आप लोग प्रशासन के पास गए थे? हां गए थे। प्रशासन क्या बोला है? प्रशासन तो बोलते हैं को उसी का जमीन। किनका जमीन है? धीरेज दास। नेपाल दास के। कागज भी बता रहे हैं? हाँ, कागज सब तरीका से। वो कुछ कागज दिखा रहे हैं कि दबा कर रहे हैं कि मेरा है। कागज दिखाने के बाद में भी लोग छूट नहीं जबरदस्त। अब ये गरीबी पर सबसे भारी पय हो। अच्छा, गरीबी पय जो है ना सबसे भारी पय, जिसका भैंस इसको लाट। आपका कथन के हिसाब है ये लोग गरीब है नेपाल दास? हाँ, सब गरीब है, भीख मांग देखा देते नेपाल दास के बोपती। अच्छा, धुमाटा जोशोर में 2500 बोटा, आप किसी से पूछ लीजिए, नेपाल दास के बोपसी ने कहते बर्मन भीख भी मांगा था। हमारे ससुर के देन है जमीन में, नेपाल दास के बेटा है लीला जी फिरती जी। बताइए, सबको जमीन मिला है, सवा पाँच एकड़ इनको केवल इनको भी जमीन मिला था तो चल गया था कोलकाता पर, बीमारी में पड़ गया था, साल भर के बाद में आया, उसी के मार्फत में सरकार ने बैठा दिया। फिर 10 दिन के बाद दो दिन के बाद आया था सरकार डीआरओ से विपिन दास को लेके, तो निरंजन बर्मन भी आया था, तो सरकार बैठा दिया, तो रोने पीटने लगा। बुड़बक था नेपाल दास के बक्सी से, बुड़बके था, कहते बाबू हम रहें कहाँ, तो ये नौ डिसम्बर जमीन नाप के देखिए। एक चीज हमको बताइए, क्या नेपाल दास को आप किराया देते हैं? हाँ, किराया देते हैं नेपाल बर्मन को। बर्मन को देते हैं, हाँ, किराया देते हैं। मगर यही किराए को लेकर वो जो आज गरीबी के हालात को देखते हुए कब्जा कर लिया। हाँ, देखिए कितनी बड़ी आरोप है, गरीबी पैदा होना एक श्राप ही नहीं अभिशाप भी है। आज जो स्थिति समाज में घट रहा है, और समाज को इससे एक सबक लेनी चाहिए कि इस
विकलांग महिलाएं दर दर की ठोकरे खा रही है, प्रशासन की से गुहार लगा रही है, पूरे यहाँ देख सकते हैं महिलाएं से लेकर पूरे समाज के लोग इनके साथ है, फिर भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और भंगाहाट थाना में ये चक्कर लगा रही है, कितना दिन से चक्कर लगा रही है, कितना दिन से महिला चक्कर लगा रही है? 10-12 दिन। 10-12 दिन से ले रहा है। सुनने में एक महिला को मारा भी गया। मारा गया है, दांत तोड़ दिया। देखिए इस महिला का, इधर दिखाइए, इस महिला का दांत भी तोड़ दी गई है। वार समा यहाँ के पूज्यपतियों की सरकार और यहाँ जो इस तरह की स्थिति है, प्रशासन से मैं कानूनी जंग न्यूज चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इसको इतना शेयर किया जाए कि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे कि एक भंगहा पंचायत में मैनेटर प्रखंड के अंदर में इस तरह के भी लोग हैं जो गरीब के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो गरीब आज मजबूर होकर घर छोड़ने में मजबूर है, आत्महत्या करने में मजबूर है। प्रशासन कब जगेंगे जहाँ यहाँ ये बड़ी घटना घट जाए या मर्डर जैसा सवाल नहीं होता है, तब तक क्या प्रशासन नहीं जगेंगे? मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से गुहार करूँगा कि इसको अति शीघ्र इस पर कार्रवाई किया जाए और इस गरीब को न्याय दिया जाए। मैं कानूनी जंग न्यूज चैनल से समर कुमार दत्ता की खास रिपोर्ट भंगहा थाना से। आपका पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामलाल दास, पिता धीरेज दास, राम दूसरी थाना बाहा अंचल माइटा और शिशुआ ताजपुर अपनी जमपारा। क्या मैटर है कि आपके जमीन का विवाद कितने दिन से चल रहा है? 25-30 साल चल ही रहा। किनके साथ ये विवाद है? नेपाल बर्मन तो उसका पिता नंदन बर्मन। कैसे मैंने आप दवा कर सकते हैं वो जमीन आपका है? पेपर दवा कर रहा है। पुनवास जी के पेपर से जी, वो भी तो पुनवास का पेपर दिखा रहा है। उसमें कोई सोन कोई डेट कुछ नहीं है उसमें। आपका कथा अनुसार वो पेपर जो दिखा रहे हो फर्जी है जी। इतना साल के बीच में आप पेपर को जांच क्यों नहीं करवाएं? हम अपना करवाए। आप अपना करवा लिए? आप संतुष्ट है कि वो? हमारे पेपर से संतुष्ट है। संतुष्ट है? अच्छा, क्या आप थाना में भी गए हुए थे? सीओ साहब के पास गए हुए थे? सीओ साहब के पास गए थे। सीओ साहब क्या बोले? सीओ साहब बोले जो इसका जो हम नहीं जानते, आप जाइए सीआई के पास जाइए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर अपना कागज पूरा क्लियर की दोनों पक्ष रखिए, किसका फर्जी है किसका ओरिजिनल है। एक बात बताइए, इस विवाद को खड़ा करने में क्या विवाद कैसे मैंने विवाद हो रहा है? कोई इसमें तो साजिश के तहत नहीं ना हो रहा है विवाद? साजिश के तहत हो रहा है। कौन कौन है इसमें? है इसमें दो गुमटी है जो लड़ा रहा है। क्या नाम बताइएगा? एक का सुकुमार दास है, एक बानी दास है। उस विवाद में उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? फायदा होने वाला है कि उनका और नेपाल दास का कोई इसी तरह जमीन हो जाएगा, दोनों का दुकानदारी चलेगा, हमारा होगा तो हम हटा देंगे। अच्छा, जमीन के लालच से ये विवाद खड़ा किया है। अगर इस तरह की स्थिति हो, अगर होता है तो वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ बड़ी घटना घटेगी कि नहीं? इसका दोषी कौन होगा? अगर वहाँ बड़ी घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? जो लोग लड़ा रहा है उन लोग होगा। जो लड़ा रहा है, नाम बताइए कौन कौन है? बारीदास है, सुकुमार है, सुकुमार चक्रवर्ती है, और कौन है? लाल है, सुधन दास है, अरुण जी है, सुधांशु है। वो लोग चाहता तो पंचायती के तौर पर हो जाएगा जाता मैटर ही। आप अगर पंचायती के स्तर से अगर निपटारा किया जाए, आप मानिएगा? मानिए, उचित होगा तो मानेंगे। उचित होगा तो मानेंगे। पक्षपात और ना हो तो कहे ना मानिए, मानेंगे। अगर पक्षपात होता है तो नहीं मानेंगे ना। जिस वक्त पंचायती होगा तो हम लोग मानेंगे। अगर पंचायती द्वारा अगर सब मैंने हम लोग निपटारा करना चाहेंगे तो आप मानने के लिए मानेंगे, अगर कीजिएगा तो नहीं मानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामलाल दास,